नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने वाले पुलिस कर्मियों की लगातार करतूतें सामने आती रहती है। ऐसा ही मामला बरेली से सामने आया है, जहां एक युवक ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने आरोपी को बचाने के लिए उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ छुपाए नहीं छुपता, एक न एक दिन झूठ सामने आ ही जाती है। तो चलिए आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल एक चौकी इंचार्ज ने आरोपी को बचाने के लिए उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी आरोप में बरेली के एसपी अनुराग आर्य ने चौकी इंचार्ज विक्रांत आर्य को सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले में वादी ने कोर्ट में वाद दायर किया था। फिलहाल चौकी इंचार्ज की पोस्टिंग बहेड़ी के मुड़िया अहमद नगर पर थी और इससे पहले वो थाना प्रेम नगर में तैनात था। शाहजहांपुर के थाना बांडा के सुखमानपुर के रहने वाले मनमोहन सिंह ने 4 जुलाई 2023 को बरेली के थाना प्रेम नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उसका बेटा जसकरण सिंह अपने दोस्त हरप्रीत से मिलने बरेली आया था। 4 जुलाई को रात 11:20 पर जसकरण सिंह अपने दोस्त हरप्रीत और कृपा सिंह के साथ थाना प्रेम नगर क्षेत्र के सिलेक्शन प्वाइंट के पास खड़ा था। इसी दौरान एक कार आई, उसमें फरीदपुर के भगवानपुर का रहने वाला जीवन ज्योति सिंह और उसके 3 साथी मौजूद थे। जीवन ज्योत ने रंजिश में जसकरण पर गोली चला दी। गोली जसकरण की गर्दन को पार करते हुए कॉलर में फंस गई थी। इस पूरे मामले में विवेचना दरोगा विक्रांत आर ने की थी। विवेचना में नाम दर्ज आरोपी जीवन ज्योत की नामजदगी को झूठा बताया। आरोपी से मिली भगत कर उसके ड्राइवर रमरूला का नाम प्रकाश में लाकर उसे जेल भेज दिया। दरोगा ने विवेचना के वक्त आरोपी की अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए राम राला के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल कर कोर्ट में पेश कर दिया। सही सबूत पेश नहीं किया और सरसरी तौर पर विवेचना की। इसके बाद वादी ने कोर्ट में एक वाद दायर किया। वादी के कोर्ट में वाद दायर करने के बाद कोर्ट ने दोबारा विवेचना करने का आदेश दिया। बरेली के पुलिस अधीक्षक ने सीओ पंकज श्रीवास्तव को जांच के आदेश दिए। जब जांच कराई तो दरोगा विक्रांत आर्य की लापरवाही सामने आई। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया। चौकी इंचार्ज की पोस्टिंग बरेली के बहेड़ी कस्बा के मुड़िया चौकी पर थी। चौकी इंचार्ज के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होने के बाद बरेली में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वह इस मामले में पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि पति ने तलाक देने के फौरन दूसरी शादी भी कर ली है। कोर्ट ने दूसरी शादी को लेकर भी उसे समन जारी किया था। हालांकि दूसरी शादी पर जारी हुए समन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आईपीसी की धारा 494, सीआरपीसी की धारा 198 से बाधित है, इसलिए कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं ले सकता है। इस मामले में परिवाद ही दर्ज कराया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।